है शिव के शिष्य शनिदेव का प्रिय सावन का चौथा और आखिरी शनिवार। सावन के शनिवार शनि किसका करेंगे उद्धार? शिव कैसे करेंगे शनि के कुप्रभाव की काट? कैसे शिव कृपा से बढ़ेगी आपकी ठाट बाट? किस्मत जंक्शन में आचार्य कमल नंदलाल से जान लीजिए कैसे बना है खास आज का दिन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आचार्य कमल नंदलाल और आप सभी दर्शकों का, आप सभी चाहने वाले व्यूअर्स का कुंडली टीवी के स्पेशल प्रोग्राम किस्मत जंक्शन में वेलकम करता हूं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक नंबर प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म नंबर वन से, यानी कि आज के विशेष। आज सैटरडे का दिन है, तारीख है 25 अगस्त 2018, सावन महीने का आखिरी शनिवार है आज। सावन में शनिवार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है एंड इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, उतना ही जितना सोमवार होता है। सावन में शिव और शनिदेव के पूजन से बहुत प्रॉफिट मिलता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज की स्पेशल पूजन विधि के बारे में। शिवालय ज़रूर जाएं और काले कपड़े पहनकर जाएं और काले शिवलिंग का विधिवत पूजन भी करें। तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोहवान से धूप जरूर करें, नीले और सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाएं, इसके साथ में भांग धतूरा और जो आप चढ़ाना चाहें, लेकिन बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर काजल और भस्म ज़रूर चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं और गुड़ तिल से बनी रेवड़ियों का भोग लगाएं। और ये जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका एक माला जाप जरूर करें, होल हो सके तो काले हकीक के माला से करें या पाँच मुखी रुद्राक्ष के माला से करें। इसके बाद पूजा खत्म होने के बाद फूल और भोग गरीब मजदूरों में बांटते हैं, गरीब फकीर भिखारियों में बांटते हैं। और जो स्पेशल मंत्र है वो है ओम महाकालाय नमः। अगर शनि काल है तो ये तो कालों के भी काल है, महाकाल है, इसलिए ओम महाकालाय नमः। स्पेशल मुहूर्त जो रहेगा पूजा का वो रहेगा सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, और आप शाम को भी कर सकते हैं इसे। शाम को यही मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा शाम को 7:15 बजे से 8:15 बजे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन पहलुओं की जो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड हेल्थ के लिए काले शिवलिंग का तेल से अभिषेक कीजिए। गुड लक के लिए काले शिवलिंग पर लोहबान से धूप कीजिए। विवाह टालने के लिए काले शिवलिंग के समीप तिल के तेल का दीपक जलाइए। नुकसान से बचने के लिए, फाइनेंशियल लॉसेस से बचने के लिए शिवलिंग पर बरगद के पत्तों की माला चढ़ाएं। प्रोफेशनल सक्सेस के लिए काले शिवलिंग पर 11 सिक्के चढ़ा दीजिए। एजुकेशन में सक्सेस के लिए काले शिवलिंग पर चढ़ा पीपल का पत्ता अपने टेक्स्ट बुक में रख लीजिए या किसी डायरी में या बुक में रख लीजिए। बिजनेस में सक्सेस के लिए शिवालय में नारियल चढ़ाएं। पारिवारिक खुशहाली के लिए, फैमिली हैप्पीनेस के लिए लौंग कपूर से जलाकर काले शिवलिंग की आरती करें, निरंजना आरती। लव लाइफ में सक्सेस के लिए काले शिवलिंग पर चढ़े 5 लौंग अपनी जेब में रख लीजिए। मैरिड लाइफ में सक्सेस के लिए पति पत्नी यानी कि दंपत्ति शिवालय में दूध और शहद मिलाकर उससे शिवलिंग का अभिषेक। तो अब समय है फ्रेंड्स अचूक टोटकों का। ये वो टोटके हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन के अंधेरे को खत्म। अगर आप मुकदमों में फंसे हुए हैं, कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो मुकदमों में जीत के लिए 6 लौंगों पर सिंदूर चढ़ा दीजिए और इन लौंगों को काले शिवलिंग पर चढ़ाकर इसे जल प्रवाह कर दीजिए, बहा दीजिए, तो आपके जीवन से कोर्ट केस समस्या खत्म। अगर आप दुर्भाग्य से पीड़ित हैं तो क्या करना है आपको, 12 बरगद के पत्ते लाल धागे में पिरो लीजिए या मौली में पिरो लीजिए और इसे काले शिवलिंग पर माला के रूप में चढ़ा दीजिए। देखिएगा वो हार आपके जीवन के हर हार को मिटा देगा। अगर आप शनि बाधा से पीड़ित हैं, शनि आपको बहुत सता रहे हैं, तो शनि बाधा से मुक्ति के लिए सरसों के तेल में अपनी छाया देख लीजिए। कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए या थाली में ले लीजिए, उसमें अपनी छाया देखिए। पूरी प्रार्थना कीजिए अपने आप को देखते हुए, अपने प्रतिबिंब को देखते हुए, और अपनी जितनी प्रॉब्लम्स है वो कह दीजिए और उस तेल से शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक कीजिए। आपकी जीवन की सभी समस्याओं का वही निवारण। तो फ्रेंड्स किस्मत जंक्शन में आज इतना ही।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर, जिसमें हम निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन और बताएंगे किस्मत जंक्शन के किस प्लेटफॉर्म पर आएगी आपके सफलता के सुपर एक्सप्रेस। तब तक देखते रहिए कुंडली टीवी और कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।